हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इस सीरीज का थर्ड पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हैनली और जेंग मो के पास अपनी ट्रेनिंग करने लगे हैं, जहां जेंग को फाइटिंग की और हैनली को सिर्फ इनर स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। हैनली को ये बात कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो नहीं जानता कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। तो ये एपिसोड हैनली के एक सपने से शुरू होता है, जहां वो ग्रीन पोशन से भरी एक बोतल को देखता है और उसके आसपास के प्लांट तेजी से बड़े हो रहे हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और खिड़की को बंद करते वक्त वो दूर जंगल में एक ग्रीन लाइट को देखता है। वो उसी वक्त जंगल में उसे चेक करने जाता है और देखता है कि ये रोशनी एक पेड़ के तने से आ रही है। अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ उसके सपने जैसी एक बोतल रखी हुई है, जिसमें एक चमकने वाला ग्रीन लिक्विड है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ढक्कन जरा भी नहीं हिलता और तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। हैनली उसे लेकर वापस अपने रूम में आता है ताकि जेंग को भी इसकी खबर दे सके, लेकिन देखता है कि जेंग तो रूम में कहीं नहीं है। उसे ढूंढता हुआ वो बाहर आता है और पागलों की तरह जेंग को आवाज लगाने लगता है। यही दूसरी तरफ हम जेंग को देखते हैं, जो एक साय के पीछे कहीं जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी सेंसेस में बिल्कुल नहीं है। हैनली भी भागते हुए ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ता है, जहां उसे खून से सनी एक बीड नजर आती है और सामने ही एक पेड़ पर हाथ के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। आगे का सीन एक महीने बाद का है, जहां हैनली अपने रूम में आराम कर रहा है। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो देखता है कि मास्टर मो अपने काम से वापस आ गया है। वो उन्हें जेंग के गायब होने के बारे में बताता है और मो कहता है कि मैं इसके बारे में जान गया हूँ। उसके हिसाब से जेंग अपने घर वापस चला गया है, क्योंकि उसे अपने फैमिली की बहुत याद आ रही थी और अब उन्हें उसके बिना ही रहना होगा। आगे मो उसे अपने नए साथी आयरन स्लेव से मिलवाता है और कहता है कि ये यहाँ हमारी प्रोटेक्शन करने आया है। फिर वो हैनली की एनर्जी को चेक करता है और हैनली की नज़र उसके ब्रेसलेट पर जाती है, जिसमें से एक बीट टूटी हुई है, और ये देखकर वो अपने पास रखी बीट को छुपा लेता है। वो मो से कहता है कि काम की वजह से इस बार मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया, और ये सुनकर मो को बहुत गुस्सा आता है। वो हैनली से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी क्या उम्र है, जिस पर हैनली उसके 70 के होने का अंदाजा लगाता है, लेकिन मो कहता है कि मेरी उम्र अभी बस 37 साल की है, और ये सुनकर हैनली को विश्वास नहीं होता। तब मो उसे बताता है कि सालों पहले मैं मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा मास्टर था और लोग मुझे गोस्ट हैंड के नाम से बुलाते थे, क्योंकि मैं हाथों से ही किसी की भी जान ले सकता था। फिर एक दिन धोखे से किसी ने मुझे जहर दे दिया, जिससे मेरी जान तो नहीं गई, लेकिन मेरा इनर कोर हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इसे रिकवर करने का बस एक ही तरीका था कि मैं किसी और की एनर्जी को अपने अंदर संभालूं, जो मेरी लाइफ पावर बढ़ाने में मेरी मदद कर सकती थी। इसके लिए मैंने बहुत से लड़कों को ढूंढा, लेकिन कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, और तब मेरी मुलाकात तुमसे हुई, और तुम्हें देखते ही मैं समझ गया कि तुम बाकी लोगों से बहुत अलग हो और इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। आगे वो बताता है कि मेरे पास जीने के लिए बस एक ही साल बचा है, और उससे पहले तुम्हें अपने लेवल को और बढ़ाना होगा, ताकि मैं तुम्हारी की एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर कर सकूं। हैनली उसे समझाता है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है और उसे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में वो इसे मास्टर कर पाएगा। तब मो उसे एक पॉइजन पीने को देता है और कहता है कि इससे तुम भी एक साल में मारे जाओगे, और तब तक अगर तुमने अपनी स्किल को मास्टर कर लिया तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे दूंगा। हैनली ऐसे पागलपन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, लेकिन मो कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर उसके इशारा करते ही आयरन स्लेव हैनली को पकड़ लेता है, और उसके लाख कोशिश करने के बावजूद वो लोग जबरदस्ती उसे वो पॉइजन पिला देते हैं। वो हैनली को वॉर्न करता है कि अब हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, और तुम्हारी मेहनत ही हमारी जान बचा सकती है। वो उसे अपने लिए कुछ हर्ब्स भी देता है, जो उसकी कल्टीवेशन स्पीड को तेज कर देगी, और कहता है कि इस बार मेरे वापस आने तक तुम्हें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। हैनली के पास अब कोई चारा नहीं होता, और उसे ना चाहते हुए भी मो की बात माननी पड़ती है। वो उस एंटीडोट को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसे मो की चालाकी पर बहुत गुस्सा आता है, और वो समझ जाता है कि अब उसकी स्किल्स ही उसे इस प्रॉब्लम से बचा सकती है, लेकिन अभी भी उसे मो पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, और वो अपने लिए एक बैकअप प्लान बनाने की सोचता है।
आगे वो हब्स की मदद से अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन लेवल 2 के आगे नहीं जा पाता क्योंकि इसके लिए उसे और हब्स की जरूरत है, लेकिन उन्हें उगने में तो सालों लग जाते हैं। तभी उससे मिलने फ्यू वहाँ आता है और पूछता है कि जैंग कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा। तब हैनली उसे बताता है कि मो के हिसाब से वो वापस घर चला गया है, लेकिन मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। फ्यू उसे घबराया हुआ देखकर साफ साफ बोलने को कहता है, लेकिन हैनली उसे इन सब में नहीं घसीटना चाहता और सिर्फ इतना कहता है कि 6 महीने में तुम्हें मुझे कुंग फू सिखाना होगा। फ्यू कहता है कि 6 महीने तो बहुत कम टाइम है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम हैनली को आराम करते हुए देखते हैं और तभी उसे मिली वो ग्रीन बोतल फिर से चमकने लगती है। वो एक बार फिर उसे चेक करके देखता है, लेकिन इस बार उसका ढक्कन आराम से खुल जाता है और उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है। यहाँ उसे अपना सपना याद आता है और उसे डायरेक्टली पीने से पहले वो पास ही रखे एक प्लांट पर उसे टेस्ट करने की सोचता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी प्लांट में कोई चेंज नहीं आता और हैनली इसे बेकार समझकर सोने चला जाता है। सुबह आँख खुलने पर वो देखता है कि पोषण ने उस पौधे को एक पेड़ बना दिया है। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो इस पोषण को पानी में मिलाकर उसे अपनी हर्ब्स पर छिड़कता है। इसके असर से जल्दी ही वो हर्ब्स बड़ी हो जाती हैं और हैनली उनसे ढेर सारी कल्टीवेशन पिल्स बना लेता है, जो उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में उसकी बहुत हेल्प करती है। साथ ही वो फ्यू से फाइटिंग की ट्रेनिंग भी लेता है और फ्यू उसे एक ऐसी बुक देता है जिसमें कुंग फू के मूव्स को एक्सप्लेन किया गया है। आखिर में वो हैनली को अपनी एक डैगर देता है और कहता है कि इससे तुम्हें प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। हैनली बुक और डैगर की मदद से अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और इसी तरह जल्दी ही 6 महीने बीत जाते हैं। उसकी कुंग फू टेक्निक अब बहुत इम्प्रूव हो चुकी है और साथ ही उसने अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को भी और बढ़ा लिया है, जिससे वो दूर से आती छोटी से छोटी भी आवाज को क्लियरली सुन सकता है। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो सेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और जाकर वो देखता है कि ये तो सेक्ट का मेंबर वू यान है जो वुल्फ गैंग को सेक्ट की सप्लाई रूट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो ऐसा काफी टाइम से करता आ रहा है और वुल्फ गैंग इसके बदले उसे ढेर सारे पैसे देते हैं। हैनली तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन फ्यू तक भेजता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।